खगड़िया बंद रहा असरदार, जाप ने किया कृषि बिल का विरोध। जन अधिकार पार्टी ने एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश नया कृषि बिल को जन विरोधी बताते हुए आज बंद का आह्वान किया। हालांकि राजधानी पटना में बंद समर्थकों ने अपनी आवाज बुलंद कर केंद्र और राज्य सरकार को कड़े शब्दों में चेताया, लेकिन यहां से अधिक जिलों में जाप के सदस्यों ने बंद को सफल बनाया। पूंजीपतियों को, बड़े व्यवसायियों को स्टॉक करने की इजाजत देता है, काला बाजारी करने की खुली छूट देता है और किसान को कंपनियों का गुलाम बना रहा है। किसान कंपनी के अनुसार अपने खेत में उत्पादन करेंगे और किसान के अनाज का मूल्य कंपनी निर्धारण करेगी, जो एक MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, उसे सरकार खत्म कर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाने की साजिश चल रही है। यह सरकार किसान विरोधी है, यह बिल किसान विरोधी है। हम बहुत ही कड़े शब्दों में जन अधिकार पार्टी परिवार के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। खगड़िया समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बंद समर्थकों ने एकता के साथ बंद सफल होने का दावा किया। जिले के स्टेशन रोड, राजेंद्र चौक तथा NH पर दुकानों को बंद कराने में जाप के सदस्य आगे रहे। सत्ताधारी दलों ने बंद को सुपर फ्लॉप बताया, जबकि जाप ने माना सुपर हिट। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।